आ जाओ भाई सभी एनडीए ऑफिसर्स एक बार फटाफट से आ जाओ जितना अभी तक हमने बायोलॉजी में पढ़ा है मेनली हमने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके बारे में पढ़ा है तो उसके हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं कल भी कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे तो आज भी करेंगे गुड इवनिंग भाई सबको जय हिंद एक बार फटाफट से आ जाओ ताकि हम स्टार्ट कर सके क्यों नहीं आती भाई मुस्कान पेपर में नोट्स नहीं चलेंगे यू मस्ट बायो में ऐसा क्या है इतना तो सिलेबस भी नहीं है बायो का सिलेबस तो आपका सबसे कम है तीनों सेक्शन में वेटेज और सिलेबस सबसे कम है चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करो कहां तक किया था हमने क्वेश्चन किया था चलो भाई ये बताओ यह बताओ तब तक मैं पानी पी लेता हूं बताओ ठीक है भाई रोहित रुक भी जाओ कतई तुम ही ना रहे इतनी मोटिवेशन दे दोगे क्लास छोड़ के कहीं बॉर्डर पे ना मिले चलो भाई तो भाई देखो यहां पे आपका ये साउंड जो है हर्ट की साउंड वो होती है आपकी लब और डब की ठीक है लब और डब की साउंड होती है लेकिन ये आती कब है तो लब की आवाज़ आती है जब सिस्टोलिक जो साइड है उसकी वेल्व ओपन होती है तब और यहाँ पे जब डायस्टोलिक वेल्व होती होती है तब तो यहाँ पे बिगनिंग ऑफ डायस्टोल ये आपका आंसर आएगा डी इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया भाई बिल्कुल भाई जीरो से स्टार्ट होगी जीरो से ही होता है हर एक चैप्टर स्टार्ट अपना ये बताओ भाई ईसीजी जो आपका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो काहे के लिए होता है उसका पर्पज क्या है एक बार फटाफट फड़ से लाइक करो भाई जितने भी बच्चे देख रहे हो तो ईसीजी जो है भाई आपका हार्ट का ग्राफ है तो ये आपकी कार्डियक साइकिल को दिखाता है जो आपकी हार्ट की साइकिल है उसको डिटेक्ट करता है उसको प्लॉट करता है ग्राफ की फॉर्म में ठीक है तो आपका कार्डियक साइकिल आएगा बहुत बढ़िया जो लोग कार्डियक साइकिल बता रहे हैं बहुत बढ़िया है। ये बताओ भाई हार्ट को कौन सी मेम्ब्रेन सराउंड करती है पढ़ाया था सर्कुलेटरी सिस्टम में तो भाई ये कह रहा है कि मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हर्ट आपको पता है कि जो प्लूरा है ये सराउंड करती है लंग्स को लेकिन जो हर्ट है उसको सराउंड करती है पेरिकार्डियम क्या करती है भाई पेरिकार्डियम तो पेरिकार्डियम इज द राइट आंसर वी आर मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन यू कह रहा कि हर्ट विद सिंगल सर्कुलेशन कहाँ मिलेगा कहाँ पाया जाता है हर्ट विद सिंगल सर्कुलेशन मैंने चीख चीख के पढ़ाया है कि फिशेस में कैसा होता है एम्फीबियंस में कैसा होता है रेप्टाइल्स में कैसा होता है और हायर एनिमल्स में कैसा होता है यानी मैमल्स में तो बताया है मैंने तो अब आपकी बारी है बताने की तो याद करो दिन था सिंगल सर्कुलेशन पढ़ा रहा था मैं बताया था कि सिंगल सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ दो चैम्बर वाले हार्ट में पॉसिबल है टू चैम्बर्ड जो कि आपका पीसीज में यानी फिशेज में पाया जाता है रेप्टाइल्स में नहीं होता फिशेज में होता है रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस इनमें तीन चैम्बर और मैमल्स में चार चैम्बर डबल सर्कुलेशन होती है ठीक है जिसको इसमें डाउट है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वाली अपनी स्पेशल क्लास देख लो इसी से कुछ क्लास पहले आई थी तो भाई अगर डब्ल्यू का नंबर बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे ठीक है भाई तो यहां पे देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन वाइज आपका क्या होगा तो यहां पे जो आंसर है वो इसके लिए नाम जो चलता है वो आपका चलता है ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकोसाइटोसिस यहां पे जो बेस्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया दिस इज द इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ डब्ल्यू ल्यूकोपेनिया में घट जाते हैं अगला देख लो ये कह रहा है डब्ल्यू का लाइफ स्पैन कितना होता है कल आरबीसी का पूछा था आज डब्ल्यू का बता दो एनीमिया आरबीसी से रिलेटेड है भाई डब्ल्यू से नहीं तो भाई यहां पे देखो लाइक नहीं कर रहे आप यहां पे दिखा रहा है तेईस लोगों ने लाइक नहीं किया सोचो देख रहे हैं वो है भाई ऐसा करते हो तो देखो दस से बारह दिन की लाइफ स्पैन होती है डब्ल्यू की व्हाइट ब्लड सेल्स की तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बाकी ऑप्शंस को देख के जाएगा डेट इज लेस देन टेन डेज ठीक है रफली दस बारह दिन की होती चलो अगला देखो भाई नेक्स्ट सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स एंड हीट एंड मेंटेन वाटर बैलेंस बहुत ही हलवा सवाल बहुत ही हलवा सवाल बताओ तो भाई ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है देखो यहां पे देखो आप इसी से समझ गए होगे इसी से समझ गए होगे कि हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है भाई सीधी सी बात है ब्लड करता है वाटर बैलेंस हीट सब ब्लड वो करता है हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है ब्लड इतना तो इजी है चलो अगला देख लो ये बताओ भाई नॉर्मल नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये तो चेक भी करते हो बताओ नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो भाई सीधा सीधा है मशीन पे भी लिखा रहता है क्या लिखा रहता है 120 सौ बीस बटे अस्सी लेकिन सब में यही है तो रेफरेंस क्या होता है एम एम ऑफ एच जी तो 120 सौ बीस बटे अस्सी एम एम ऑफ एच जी नहीं आएगा खुशी 120 बीस बटे अस्सी एम एम ऑफ एच जी मर्करी इज द रेफरेंस वाटर का तो पता नहीं कितना ही चला जाएगा ये भाई बताओ बहुत ही आसान सवाल 100% परसेंट एक्यूरेसी आनी चाहिए ऐसे सवाल में तो लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी पी वाई क्यों है भाई ये अलग अलग जो डिफेंस के एग्जाम उनमें आए हुए सी वगैरह के भी हैं तो भाई आपकी जो थाई बोन है फीमर, दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन बहुत बड़ी <clears throat> अगला है भाई निसल ग्रेन्यूल्स कहां पाए जाते हैं बताओ निसल्स ग्रेन्यूल्स बिल्कुल भाई थाई बोन तो भाई यहां पे आपका ओके okay भाई देखो ये आपका कहाँ होता है भाई नर्व सेल के अंदर होता है जो नर्व सेल होती है उनके अंदर आपका पाया जाता है निस्सल ग्रेन्यूल्स ठीक है तो नर्व सेल के अंदर पाए जाते हैं निस्सल्स ग्रेन्यूल्स जो आपका एक नर्व सेल होती है उसके अंदर इस तरीके का इसका वो रहता है स्ट्रक्चर ये डेंड्राइट्स बहुत रफ सा बना रहा हूँ ये आपका सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस वगैरह यहाँ आपका एक्जोन होता है यहाँ नर्व एंडिंग आ जाती है यहाँ आपकी माइलिन शीट से ये कवर्ड रहता है तो इस तरीके का आपका ये होता है एक नर्व सेल इसके अंदर पाए जाते हैं निसल ग्रेन्यूल्स तो ये कह रहा है भाई आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन ऑफ मैन इज तो ह्यूमन की ब्रेन की आउटर कवरिंग क्या होती है मर्जी है भाई आपकी नोट्स वगैरह तो टोटली अप टू यू क्या करोगे भाई पोल का ये तो बताओ पोल से पेपर क्लियर होता है क्या आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन उसे क्या कहते हैं भाई ड्यूरा मीटर आपको एबीसीडी लिखने में ज्यादा वो होता है क्या दिक्कत है एबीसीडी लिखना है अब जरूरी थोड़ी है कि आप खुशी की तरह ए, 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 चार बार लिखो एक बार लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं तो भाई ड्यूरामीटर इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन ऑफ अगला देखो अब अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इन आई इज रेगुलेटेड बाय कौन रेगुलेट करता है रोहित ऑप्शन ही बता रहे हो ना चलो <laughs> <Chalo> भाई देखो <clears throat> तो भाई अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग ये कौन रेगुलेट करता है अब यहां पे देखो यहां पे देखो अब कंफ्यूजन है ऐसे क्वेश्चन डालने पड़ते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो ठीक है तो यहां पे देखो भाई अब यहां पे आंसर आपका प्यूपिल भी जा सकता आरिस भी मुझे उम्मीद है कि यूपीएससी एक ही ऑप्शन देगा इनमें से बाकी दोनों दे दे तो जो है फिर आप जो है यहां पे क्या लगाओगे प्यूपिल लगाओ बाकी प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है आयरिस लाइट कंट्रोल होती है प्यूपिल से ठीक है चलो अगला देखो ये कह है लार्जेस्ट सेल बताओ ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट शेल बताओ देखो भाई पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो दोनों ऑप्शन दे दे तो क्या करें चलो भाई मेरे हिसाब से देखो प्रायोरिटी इसको देना फिर प्रायोरिटी आयरिस को देना क्योंकि प्यूपिल तो सिर्फ एक होल है ठीक है मेन जो कंट्रोलिंग पार्ट है डेट इज आयरिस तो प्रायोरिटी आयरिस को देना ठीक है चलो भाई बिल्कुल सही आपकी नर्व सेल जो है वो लार्जेस्ट सेल के अंदर आती है लार्जेस्ट लार्ज सेल है आगे बढ़ते हैं ये वाला कल मैंने करा दिया था ये बताओ प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन ये आपके कौन क्रिएट करता है कॉर्निया भाई एक तो देखो प्रोटेक्टिव लेयर है आपकी आंखों के आगे दूसरा जो मेजर लाइट का रिफ्रेक्शन है वो कॉर्निया करता है लेंस तो सिर्फ एडजस्ट करता है तो भाई यहां पे देखो आपका प्रोजेस्ट्रॉन रिलेक्शन फीमेल हॉर्मोन्स हैं जो ओवेरी प्रोड्यूस करती है ग्लैंड्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था जेस्ट्रोन एस्ट्रोजन रियक्सिन ये सब आपके फीमेल हॉर्मोन्स हैं ओवेरी सिक्रीट करती ये कह रहा है भाई ह्यूमंस में इन ह्यूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ब्रीदिंग इज करेक्ट ब्रीदिंग के हिसाब से कौन सा करेक्ट है एक बार और सेंड कर देंगे ड्राइव लिंक इसी में लगा देंगे इसी में लगवा लगा दूंगा मैं इस वीडियो के नीचे तो भाई देखो इनहेलेशन इन्हेले, में डायफ्राम रिलैक्स करता है एक्सलेशन में थोड़ा सी कैविटी एक्सपेंड होती है गलत है तो इनहेलेशन में इंट्राप्ल प्रेशर बिकम मोर नेगेटिव इनहेलेशन में तो पॉजिटिव होता है बाहर की तरफ पुश करेगा अनलाइक इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस करेक्ट पूछना भाई इनहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स होता है तो आप देखो क्या सिस्टम आपका ये इस तरीके से लंग्स होते हैं तो ये डायफ्राम है ऐसे तो जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो डायफ्राम फ्लैट होता है कब केस ऑफ इनहेलेशन तो इनहेलेशन के केस में ऐसे था ऐसे हो रहा है तो ये आपका रिलैक्स हो गया एक तरीके से ठीक है तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर आएगा रिलैक्स हो रहा है इनहेलेशन के टाइम पे क्योंकि जब वो ऐसे मुड़ेगा तब तो उस पर प्रेशर आएगा ऐसे है वो सीधा हो रहा है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है एक तरीके से ब्लड डज नॉट कोगुलेट वाला हो गया है आपका ये बताओ भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में अभी भी हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास में चलो बताओ देयर आर फोर्टीन पीपल वॉचिंग हु हैवंट लाइक्ड येट ओके कोई नहीं चलता है देखो तो भाई यहां पे देखो, मैं में मिल्क देते हैं, ताकि स्टमक पेन चला जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है जो एक्सेस न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को तो बोथ एंड बी आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्शन। ठीक है क्लियर है ये वाला भी तो बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये कह रहा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है 2015 में पूछा गया बिल्कुल भाई दस के आसपास इसका पीएच रहता है तो भाई डाइजेशन जो है ये आपकी माउथ में स्टार्ट हो जाती है और माउथ को हम क्या कहते हैं बक्कल कैविटी क्या कहते हैं भाई वॉइस ऑफ एगस किसने बोला खुशी अभी तो आपकी भाई सात से सवा नौ के बीच में क्लास चलती है तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसके बाद जल्दी आपका बैच शुरू हो जाएगा तो भी सात से नौ की ही टाइमिंग रहेगी लेकिन दो क्लास चला करेंगे फिर या तो फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स बायो तो भाई बक्कल कैविटी आ जाएगा क्योंकि माउथ आंसर आएगा तो माउथ को ही हम बक्कल कैविटी बोलते हैं कुछ क्वेश्चंस को और बुला लेते हैं भाई चलो भाई आ गए आपके और क्वेश्चन चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कैराइन में से किस में होते हैं वोकल कोड्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था वोकल कोड्स के बारे में याद आया आदित्य तिवारी बिल्कुल दे सकते हो दिस इज गोन बी योर फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट अगर आप ट्वेल्थ में हो या ट्वेल्थ पास okay हो एज बिल्कुल ओके हो जाएगी आपकी दोस्त रोहित उसने पूछा था डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होती है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहाँ स्टार्ट होती है तो भाई यहाँ पे आपका लारनेक्स में होते हैं ये वोकल कोड्स तो किस में होते हैं भाई लारनेक्स में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यू क्या रिपीट कैस हो रहा हम्म चलो बदल देते हैं ये बताओ भाई जो मैमल्स हैं इनके अंदर मेटाबॉलिक रेट कौन कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक रेट कौन कंट्रोल करता है इन मैमल्स तो भाई देखो मैमल्स में मेटाबॉलिक रेट करता है थायरोक्सिन कंट्रोल जो कि थाइरोइड ग्लैंड रिलीज करती है थायरोक्सिन और इसको बनाने के लिए क्या चाहिए आयोडीन इसलिए आयोडाइज सॉल्ट खाना जरूरी है वरना गोइटर हो जाएगा गला सूज के बहुत बड़ा हो जाए बिल्कुल भाई सी के लिए पढ़ सकते हो लेकिन बिना स्पैम किए देखो अगला है भाई कि जो ब्लड ग्रुप्स थे वो किसने डिस्कवर किए थे जो ब्लड ग्रुप्स आपके ए बी ए बी और ओ तो यहां पे आपका नेगेटिव भी हो जाते हैं ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ऐसे तो ये ब्लड ग्रुप्स किसने डिस्कवर किए थे तो भाई यहां पे देखो आपका करेक्ट आंसर इज कार्ल लैंडस्टीनर तो इसने ये 1900 में डिस्कवर किए थे जिसके लिए इसे नोबेल प्राइज भी मिला नोबेल प्राइज लेकिन लेट मिला 1930 में ठीक है तो यहां पे द करेक्ट आंसर विल बी कार्ल लैंडस्टीनर चलो भाई बहुत बेहतरीन अगला देखो ये कह रहा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है भाई रोहित समझ गया मैं आपकी बात आई एम नॉट जजिंग यू डाउट से तो कभी भी जज नहीं किया जाता तो भाई देखो आपका इंसेक्ट्स में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखना आगे बढ़ते हैं ये कह है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस से अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार पूछ पूछा गया है बताओ क्या डिवाइस है जो मेजर करता है ब्लड प्रेशर यहां पे भाई द करेक्ट आंसर विल बी पिग्मो पिगमो मैनोमीटर क्या होता है भाई स्पिगमो मैनोमीटर इससे भी समझ सकते हो मैनोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर प्रेशर तो उसी का एडवांस वर्जन है स्पाइगमो मैनोमीटर ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई पेसमेकर हार्ट का पेसमेकर किसे कहते हैं तो भाई यहाँ पे आपका जो साइनो एट्रियल नोड है इसको कई बार बोल देते पेस मेकर ऑफ हर्ट बैकअप के लिए एवी भी नोड है लेकिन एस ए एन इज द पेस मेकर ऑफ अर्ट नेचुरल पेस मेकर ऑफ हर्ट आपका एस से नोड आएगा ठीक है एस ए एन साइनो नोड अगला देखो ऐसी वीन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है उसे क्या कहेंगे बताओ भाई अमन मैं कैसे बोल सकता हूं भाई देखो वेन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वेन पहली बात वी से वापस लाती है ब्लड और ऑक्सीजनेटेड वापस ला रही है मतलब लंग्स से लाएगी और लंग्स से ला रही है तो मतलब पल्मनरी वेन लंग्स से ला रही है तो पल्मनरी वेन विच चैंबर ऑफ ह्यूमन हार्ट पंप्स फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आर्टा तो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से पंप होता है हार्ट के किस पार्ट से? तो भाई यहां पे देखो जो आपका ऐसे था हार्ट तो इस हर्ट के अंदर चार टुकड़े किए तो यहां से आता ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से पूरी बॉडी में जाता ऑर्टा से तो ये पहली बात तो राइट साइड है इधर वाली और नीचे वाली है तो राइट वेंट्रिकल तो आपका ऑप्शन आएगा राइट वेंट्रिकल यानी ऑप्शन नंबर सी राइट वेंट्रिकल एक मिनट राइट तो ये है ना लेफ्ट सॉरी सॉरी बबुआ सॉरी तो गड़बड़ हो गया ये भाई लेफ्ट लेफ्ट साइड है ना ये आए। ये वाली साइड लेफ्ट है ना ये तो ये साइड लेफ्ट है ये साइड राइट है क्योंकि ये ऐसे होगा ना लेफ्ट राइट right. हाथ ऐसे किया लेकिन लिख राइट दिया तो ये लेफ्ट एट्रियम ये लेफ्ट वेंट्रिकल यहां से जाता है बॉडी में तो डी आएगा चलो अगला देखो ये कह रहा है अगर एबनॉर्मली आरबीसी काउंट बढ़ जाए तो सिचुएशन को क्या कहेंगे प्रियांशु मेरा हर्ट बिल्कुल सेफ रखा ताकि कोई चोरी ना कर ले तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कहां रखा तो भाई इसका आंसर आएगा पॉलिसी थेमिया ये आपकी कंडीशन है जिसमें अब आरबीसी काउंट वो हो जाता है बढ़ जाता है चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट है ये थोड़ा डीप में है प्रोटीन और उसके टाइप पे बताओ अगर बता सकते हो तो क्या भाई कौन सा समझा नहीं मैं क्या कह रहे हूं खुशी देखो भाई यहां पे आपका हीमोग्लोबिन क्या करता है कोलाजन क्या करता है एल्बुमिन क्या करता है ये आपको देखना है तो हीमोग्लोबिन आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है तो ए का सी आपका एक ही पार्ट में सी इज द राइट आंसर कोलाजन आपका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ठीक है एल्बुमिन, गुटामिन ये आपके स्टोरेज में काम आते हैं एक्टिन मायोसिन ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन तो ये आप याद रखो थ्रोम्बोसाइटोसिस तो भाई आपकी एक कंडीशन है बच्चे थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स आपका आरबीसी को ही बोलते हैं तो रेड ब्लड सेल्स को ही थ्रोम्बोसाइट वो का हो रहा है। देखो भाई जो आपकी ये है ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स तो थ्रोम्बोसाइट्स आपका प्लेटलेट्स को बोलते हैं तो उनका क्लोटिंग का काम है वो थ्रोम्बोसाइट्स होता है ना कि थ्रोम्बोसाइटोसिस ठीक है आज कैसे इतनी टंग स्लिप हो रही है कैसे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्लड कैरी आउट द फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस तो बॉडी डिफेंस का काम ब्लड का कौन सा पार्ट करता है यहां देख लो ये है हैं, ल्यूकोसाइट्स ये हैं, हैं थ्रोम्बोसाइट्स तो प्लेटलेट्स को बोलते हैं तो भाई यहां पे देखो जो बॉडी डिफेंस है वो होती है आपकी डब्ल्यू बी सी व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें सोल्डर ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है शोल्जर्स सोल्जर्स ऑफ द बॉडी ठीक है चलो ये देखो घुमा के पूछ रहा है कह रहा है स्पिग्मो क्या मेजर करता है अभी दूसरे तरीके से पूछा था चलो अभी बहुत बढ़िया ये आपका ब्लड प्रेशर को मेजर करता है प्रेशर से भी आप याद रख सकते हैं मेनोमीटर ये कह रहा है भाई यूरिन का जो येलो कलर है वो किसकी वजह से होता है तो बिलरूबिन या बाइल की वजह से तो आपका फैसेट्स का कलर येलो होता है लेकिन यूरिन का कलर येलोइश क्यों हो जाता है या किसकी वजह से होता है तो भाई जो आपका येलो कलर ऑफ यूरिन है ये यूरोक्रोम की वजह से होता है यूरोक्रोम तो यूरो यूरिन को क्रोम कलर देने वाला तो यूरोक्रोम अगला देखो भाई ये कह रहा है जो मसल्स में फटीगनेस आती है वो किसके एकूमलेशन की वजह से आती है बहुत ही आसान सवाल लेकिन कंसंट्रेशन किसकी बढ़ती है प्रियांशु वो बात मान ली वाटर कंसंट्रेशन कम होती है लेकिन जिस पिगमेंट की ज्यादा होती है वो बताना पड़ेगा ना कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वर्तान तू एक बार काट के रिफ्रेश करो बच्चे आपका अपडेट नहीं हुआ है एक बार वीडियो काट के रिस्टार्ट करो देखो यहां पे भाई आपका आंसर क्या आएगा लेक्टिक एसिड लेक्टिक एसिड जमा हो जाता है मसल्स में जिसकी वजह से उनमें पेन होता है थकान हो जाती है। ये बताओ भाई दो न्यूरॉन्स के जंक्शन को क्या कहते हैं दो न्यूरॉन्स के जंक्शन को क्या कहते हैं वट इज द जंक्शन ऑफ टू न्यूरोन्स नोन एज तो भाई द करेक्ट आंसर विल बी स्नेप तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसे स्नेप्स कहते हैं जैसे एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग आई यहां पे ये मान लो एक की नर्व एंडिंग है दूसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है तो जो बीच में गैप है ना दिस इज स्नेप्स और यहां तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं या केमिकल सिग्नल अगला डेंड्रोन रिसीव करता है अगले का फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे बीच के स्पेस में केमिकल सिग्नल चलता है स्नेप्स के अंदर <coughs> <laughs> नाम में तो भाई अब कुछ तो कंफ्यूजन डालेंगे ही ये बताओ भाई कन्वेक्स लेंस किसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ये लास्ट क्वेश्चन है फटाफट बताओ कन्वेक्स लेंस किसको ठीक करने के लिए यूज होते हैं तब तक भाई आपका सबसे पहले तो आपका मीटअप हो रहा है अकेडमी का जिसको नहीं पता जो इसी क्लास में आया है अभी उसको भी बता देता हूं लखनऊ में हो रहा है संडे को जो आसपास रहते हैं वो बिल्कुल श्योरली विजिट करो यहाँ आपको सी डी एस एन डी एस एस बी सी ए पी एफ एफ कैट सबके टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे जिनसे आप अपनी किसी भी तरीके की डाउट है उसको क्लैरिफाई कर सकते उनसे मिल सकते एक मोटिवेशन मिलेगा आपको तो ये आपका होटल मोमेंट्स है जगह एड्रेस देख लो पंद्रह मई को लखनऊ के अंदर ठीक है उसके अलावा जो सोच रहे हैं कि अन का प्लस लेके ही पढ़ेंगे तो वो ले लें प्राइस बढ़ने वाला है प्लस ये ऑफर चल रहा है जो ख़त्म हो जाएगा तो आप जो है ले सकते हैं एक साल का ले लो बेस्ट रहता है एक साल में दो एन होते हैं साथ में एस मिल रहा है दो साल का लेना है तो चार एक्स्ट्रा मिल रहा है चार महीने का छः महीने पे एक महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है ठीक है तो ये आप एल डब्ल्यू एस टेन लगा के आप ये कोर्सेज कर सकते हो सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप किसी भी बैच से पढ़ सकते हो ठीक है जैसे एनडीए कैटेगरी का लिया तो एनडीए कैटेगरी है किसी भी कोर्स से पढ़ सकते हो किसी भी एडुकेटर से जो अवेलेबल ठीक है तो एलडब्ल्यू एस टेन लगा दो टेन परसेंट ऑफ ले जाओ <coughs> देख लेना भाई खुशी देखो भाई एंट्रिंग वर्ड तो वही है ना एंट्रिंग ही एडजस्ट होगी और एडजस्ट क्या होगा आई के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है वही तो एडजस्ट होगी और एडजस्ट क्या होगा तो एंट्रिंग वर्ड तो आना ही है उसके एंटरिंग वर्ड के बिना क्वेश्चन पूछोगे कैसे कन्वेक्स लेंस आर यूज तो भाई कन्वेक्स लेंस आपके पावर को बढ़ाते हैं और पावर जब बढ़ाई जाती है जब आपकी पीछे मिल रही हो तो वैसा होता है जब पास से लाइट आ रही हो ये आपकी आंखें हैं लाइट आ रही है पास वाले ऑब्जेक्ट से तो इतनी बैंड नहीं कर पाया पीछे मिली तब कन्वेक्स यूज होता है तो आपका लॉन्ग साइटेडनेस इज द राइट आंसर जब आपको पास का नहीं दिखता दूर का दिखता है हाइपर मेट्रोपिया होता है तब आपका ये इस्तेमाल होता है तो एक बार बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत देखो प्रियांशु मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया कि वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है लेकिन बेस्ट आंसर जो है वो आयरिस जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग बाकी दोनों ही अपनी जगह ठीक और रोहित यहां पे मैं तुम्हें इग्नोर करता हूं तुम्हारे इस मैसेज को चलो भाई खुशी शॉर्ट साइटेडनेस के लिए आपका वो यूज होता है कनकेव ऐसे हो सकता है एक बार एक्जलेशन वाला देख लेते हैं तो फिर उसमें डी ऑप्शन जाएगा क्योंकि डी ऑप्शन थोड़ा था भी ऐसा ही hmm. फिर यार इसमें सही क्या जाएगा आप ये बताओ कह रहा अनलाइक इनहेलेशन नॉर्मल एक्सलेशन इज एन एक्स एक्टिव प्रोसेस इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों एक्टिव प्रोसेस है यहाँ पे या तो लाइक आना चाहिए तो इस वजह से देखो ये बात मैं मानता हूं आपकी कि इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम वैसे तो देखो रिलैक्स रिलैक्स तो ये होता है जो नॉर्मल पोजिशन हो अब आप रिलैक्स किसे कहेंगे डायफ्राम की एक्चुअल शेप तो वैसे डोम शेप होती है जिसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल है इन कौन सा ब्रीदिंग के लिए करेक्ट है एक्सलेशन थोड़ा से कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है इनहेलेशन इंट्रा प्लूरल प्रेशर अनलाइक इनहेलेशन नॉर्मल एक्सिलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस इसको हम सोच सकते हैं सी ऑप्शन को या तो इसको एक बार होल्ड पे डाल दो इसको देखना पड़ेगा सी जाएगा भाई इसका थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में वो हो गया ये जो सी वाला ऑप्शन है ना इस पर हमने ध्यान नहीं दिया जो ये इंट्रा प्लूरल प्रेशर है इसको समझो इंट्रा है ठीक है यहां पे इंट्रा है मैं इंट्रा वर्ड पे ध्यान नहीं दिया ये वाला देखो देखो भाई नहीं नहीं इस बाकी सारे ऑप्शन गलत है देखो हाँ तो ये वाला है ना ये देखो इन्हेलेशन में मान लिया आप करते हो फोर्सफुली करते हो एक्सल ऑटोमेटिक हो जाता है ये जो है ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर क्योंकि अंदर का प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा तभी जो है बाहर से एयर जो है वो अंदर ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो इसका सी ऑप्शन आएगा ठीक है इसका सी आएगा चलो भाई ठीक है फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं चलो ये वाला करेक्शन मैंने करा दिया है भाई चलो फिर मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पे सात बजे और संडे को आ, मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में जब पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो ऑल द वेरी बेस्ट जय हिंद टेक केयर